हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो डेली 11 बजे रात को क्लास चलेगी, ये प्रीमायर क्लास होगी, आधे घंटे की क्लास होगी और इसमें जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो पिछले किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी भी, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हुआ है, जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका जो किरण की बुक आती है उस बुक के सारे क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। मतलब अब पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन इस बार क्या किया हूँ, 4-5 वीडियो को एक साथ मर्ज करके जो क्लास है वो काफ़ी लंबी बना दी गई, जिससे आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी कई वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे डेली सुबह 9 बजे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, या सिंपल आप हेमंत कुमार मिश्रा सर्च करोगे तो आपको जो है मेरी क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी डेली सुबह 9 बजे एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, जो अभी आपका एग्ज़ाम होना है उसका टेस्ट होता है। तो अगर आपसे कोड पूछे तो Study19 कोड आपको अप्लाई करना है, वो कोड अप्लाई करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल ये कोड जब आप अप्लाई करोगे ना, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं सभी स्पेशल क्लास ही लेता हूँ जिससे आपको कोई पेमेंट ना करना पड़े। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। चलिए, प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण होता है, किसका दोस्तों? ये मिश्रण होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का। जी हाँ दोस्तों, मोमबत्ती बनाने के लिए जो प्रयुक्त मोम है वो रासायनिक दृष्टि से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, यानी अगर पेट्रोल से कोई आग लगी है तो जल के फेंकने से वो बुझता नहीं है, क्यों? इसका रीज़न है, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल जो है ऊपरी परत बनाता है और जलता रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रण नहीं हो पाते हैं, घुलते नहीं हैं, और पेट्रोल जो है एक ऊपर की तरफ परत बना करते और उस पर जलता रहता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो ये होगा पेट्रोल। ज्वलन ताप किसी पदार्थ को जलाने हेतु आवश्यक न्यूनतम ताप होता है, और किसका ज्वलन ताप सबसे कम है तो वो हो जाएगा पेट्रोल का। नेक्स्ट, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो डीजल तेल होता है उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की क्या होती है, बचत होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? डीजल इंजनों में उच्च वोल्टेज स्पार्क प्लगों का प्रयोग नहीं होता, और यहाँ पेट्रोल इंजनों की तुलना में अधिक जो है कार्य साधक और प्रभावशाली होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रेयन बनाया जाता है किससे? दोस्तों, जो रेयन होता है वो सेलुलोज से बनाया जाता है। जहाँ दोस्तों, रेयान को हम क्या कहते हैं? रेयान को पहले कृत्रिम सिल्क कहा जाता था, कृत्रिम सिल्क को हम जानते थे पहले रेयान को, यानी रेयान का जो पहले नाम था वो कृत्रिम सिल्क था, और यह सेलुलोज पर रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अवयव है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऊन, यानी ऊन एक कार्बनिक अवयव है। दोस्तों, रेशेदार प्रोटीन है जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है, और दोस्तों कपास के बाद ऊन का सर्वाधिक महत्व होता है। तो कौन सा एक कार्बनिक अवयव है? तो वो हो जाएगा ऊन। नेक्स्ट, पॉलीथीन बनता है किससे? तो ये हमारा राइट आंसर होगा एथिलीन से, यानी पॉलीथीन एक पॉलीमर यानी कि बहुलक है जिसका मोनोमर एथिलीन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? दोस्तों, वो होगा हमारा सेलुलोज। बहुलक या पॉलीमर बहुत ही अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। दोस्तों, सेलुलोज जो होता है लकड़ी, रेशम,
त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक बहुलक है, जबकि बेकेलाइट, पीवीसी और नायलान जो है कृत्रिम बहुलक होते हैं। तो कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो वो हो जाएगा सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज के, यानी ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज जो होते हैं वो ग्लूकोज के बहुलक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है वल्कनीकरण। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है और इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है और तब जो है इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में हम करते हैं। दोस्तों, रबड़ के वल्कनीकरण की जो खोज है वो गुडियर के द्वारा की गई थी, गुड ईयर इन्होंने इसकी खोज की थी। तो रबड़ को सल्फर से गर्म करके गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, कोयले के खानों में अक्सर विस्फोट हो जाता है, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है मीथेन गैस। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण के अलावा कोयला खनन से मीथेन का जो उत्सर्जन होता है सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही गंभीर खतरा, यानी मीथेन की 5 से 15% जो मात्रा है हवा के संपर्क में आने से विस्फोटक हो जाता है और कोयले के खानों में विस्फोट के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार मीथेन गैस होता है। तो राइट आंसर होगा मीथेन गैस। नेक्स्ट, बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सबहुलक है? तो वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड का। जी हाँ दोस्तों, फिनॉल में यदि फॉर्मेल्डिहाइड मिला दिया जाता है तो यह फेनोलिक रेजिन बन जाता है जिसे हम बेकेलाइट के नाम से जानते हैं, और बेकेलाइट कठोर होता है और इसके अगर प्रयोग की बात की जाए तो इसका प्रयोग जो है रेडियो, टीवी के सेट, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। तो बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सहबहुलक है? तो वो हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर वैलेस एच कैराथर्स। जी हाँ दोस्तों, नायलॉन का जो आविष्कार है वो रसायन शास्त्री डॉक्टर वैलेस एच कैराथर्स के द्वारा किया गया था। आविष्कार हुआ कब था? तो वो होगा 1935 में। दोस्तों, नायलॉन का जो यूज होता है वो तंबू बनाने में, जो तंबू के ऊपर का कपड़ा होता है उसको बनाने के लिए, खैल बैग बनाने के लिए, वर्दी, पैरासूट आदि बनाने के लिए हम नायलॉन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? दोस्तों, बायोडीजल के उत्पादन में हम ट्रांस एस्टरीफिकेशन का यूज करते हैं। ट्रांस एस्टरीफिकेशन तथा एस्टरीफिकेशन नामक जो प्रक्रिया है वो बायोडीजल के उत्पादन में अपनाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पहली बार परमाणु जो बम है वो कहाँ फेंका गया था? दोस्तों, सबसे पहले परमाणु बम का जो यूज हुआ था वो हिरोशिमा पे हुआ था। कब? तो ये हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। और दोस्तों, ये जो परमाणु बम गिराया गया था इसका नाम था लिटिल बॉय। यह जापान के हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और दोस्तों, उसके 3 दिन बाद ठीक 9 अगस्त 1945 को एक और परमाणु बम नागासाकी शहर पर गिराया गया जिसका नाम था फैटमैन। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो है कि परमाणु बम सबसे पहले फेंका गया था, तो वो हो जाएगा लिटिल बॉय। किस शहर पे? तो हिरोशिमा पे। और दूसरा जो फेंका गया था वो फेंका गया था नागासाकी शहर पे, और कब? तो वो हो जाएगा 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था फैटमैन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो दोस्तों, जो हमारा हाइड्रोजन बम है वो संलयन अभिक्रिया यानी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, यानी संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन बम, जो प्रथम हाइड्रोजन बम था वो एडवर्ड टेलर और अन्य अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1952 में बनाया, और यह जो है कि संलयन की अभिक्रिया के सिद्धांत पर
आधारित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो उसमें मात्रा अधिक होती है लेड यानी कि सीसा की। जी हाँ दोस्तों, चॉकलेट हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें कैडमियम और लेड यानी सीसा की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसा। नेक्स्ट, बारूद का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जो बारूद का आविष्कार है वो किया गया था रोजर बेकन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बारूद का जो आविष्कार है कब हुआ इसका निश्चित समय जो है कि पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि ईसा के पूर्व काल में चीनियों को जो है कि बारूद की जानकारी थी, और दोस्तों रोजर बेकन ने अपने लेखों में बारूद का उल्लेख किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोजर बेकन। और दोस्तों बेकन ने जिस बारूद का उल्लेख किया है उसमें 41.2% जो है पोटेशियम नाइट्रेट और कोयला पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रोजर बेकन के द्वारा सबसे पहले बारूद का आविष्कार किया गया था। दोस्तों एक और बात, इस समय की अगर बात करें कि वर्तमान समय में जो बारूद का मानक है उसमें 75% जो है पोटेशियम नाइट्रेट होता है और 15% चारकोल और 10% सल्फर होता है, तो ये करंट का है। वर्तमान समय में बारूद का जो मानक है वो 75% पोटेशियम, फिर चारकोल 15% और सल्फर जो है 10%। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में जो प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप है वो है यूरेनियम 235। जी हाँ दोस्तों, यूरेनियम 235 का परमाणु ऊर्जा के उत्पादन प्रयोग किया जाता है, और दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला के द्वारा इससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है यूरेनियम 235 के द्वारा। नेक्स्ट, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? दोस्तों परमाणु बम के विस्फोट में जो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है वो द्रव्य के ऊर्जा में परिवर्तन के कारण निकलती है। जी हाँ दोस्तों, एक समीकरण है E=mc2, इसके अनुसार द्रव्यमान में जो कमी है वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन जो है कारण है भारी मात्रा में ऊर्जा के निकलने का। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो डॉल्फिन का समूह है वो कहलाता है पॉड, यानी पॉड के नाम से जाना जाता है डॉल्फिन के समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है? दोस्तों जो जीवन की मूलभूत इकाई है वो होता है सेल यानी कि कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त होता है यानी कि न्यूनतम छिद्रयुक्त पोरस है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले सॉइल, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, जो चिकनी मिट्टी होती है वो न्यूनतम छिद्रयुक्त होती है, कह सकते हैं कि इसमें छिद्र नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्ले सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता था? दोस्तों आपको पता है कि 2016 के पेपर का ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 2016 के पेपर को, तो इसलिए वहाँ पे 2015 के जो करंट थे वो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए 2015 से ये क्वेश्चन उठा करके उसमें रखा गया था। तो 2015 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? तो वो थी पिया उर्तजबैक नाम था उनका, जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? दोस्तों चाणक्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। दोस्तों काफ़ी ऐसे सामाजिक काम थे जो राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए थे, जैसे सती प्रथा को ख़त्म करने में इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया था, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? तो दोस्तों वो नदी हमारी कृष्णा नदी, यानी जो कृष्णा नदी है वो पश्चिमी घाट से निकल करके बहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। नेक्स्ट,
सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, जानकीनाथ बोस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? दोस्तों मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है गुरु चरण सिंह को मिला था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी कि नोबेल धातु है? दोस्तों इसमें नोबेल धातु है सिल्वर यानी कि चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक, काफ़ी फेमस था, जो अपने पहले ही कह सकते हैं यात्रा में डूब गया था, तो वो टाइटैनिक किस देश का जहाज था? दोस्तों टाइटैनिक था ग्रेट ब्रिटेन का। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक जहाज ग्रेट ब्रिटेन का था, जो अपने पहले ही यात्रा में डूब गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? दोस्तों मरियाना ट्रेंच स्थित है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपीज, ये कान में पाई जाती है, कान की हड्डी होती है स्टेपीज, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो वो हो जाएगा स्टेपीज। नेक्स्ट, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? दोस्तों पीछे की तरफ उड़ने वाला जो एकमात्र पक्षी है वो है हमारा हमिंग बर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी माना जाता है हमिंग बर्ड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? दोस्तों जनरली अगर हम ह्यूमन की बात करें तो मनुष्यों का जो खून का रंग होता है वो लाल होता है, लेकिन ऑक्टोपस का पूछा जा रहा है, तो ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो वो हमारा हो जाएगा नीला, यानी ऑक्टोपस के जो खून का रंग होता है वो नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर है वो है हमारा सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में, यानी बेंगलोर में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है? दोस्तों ओलंपिक खेल से हम बेसबॉल को हटा दिए गए हैं, तो बेसबॉल खेल जो है ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है, यानी कि लैन किसके लिए स्टैंड करता है या फिर लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन को हम जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? दोस्तों वर्तमान में जो हम रासायनिक प्रतीकों का उपयोग करते हैं, तो इसके उपयोग करने की जो विधि थी वो बर्जीलियस के द्वारा तैयार की गई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्जीलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? दोस्तों पृथ्वी का जो जल चक्र है वो सूर्य के द्वारा संचालित होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हमारा क्वेश्चन है, ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा देहरादून, यानी ONGC का मुख्यालय स्थित है हमारा देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट गॉलब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है या फिर किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इनका जो काफ़ी फेमस नाम है वो है JK रॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, JK रॉलिंग को ही हम रॉबर्ट गॉलब्रेथ के नाम से जानते हैं, या फिर कह सकते हैं रॉबर्ट गॉलब्रेथ को ही हम JK रॉलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? दोस्तों थॉमस कप जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से,
यानी बैडमिंटन का एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये टूर्नामेंट होता है थॉमस कप, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? दोस्तों सूर्य की ऊर्जा को जो उत्पन्न करने का माध्यम है वो है परमाणु का संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है सूर्य की ऊर्जा का जो एक उत्पन्न होना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपाई यानी ममल कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा जो स्तनपाई है वो है हमारा ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा ममल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द बिस्यू यानी इक्विनक्स किससे संदर्भित है? दोस्तों दिन और रात एक समान अवधि होते हैं। जी हाँ दोस्तों, विषुवत यानी इक्वेटर की अगर बात करें तो वहाँ पे दिन और रात एक समान होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दिन और रात समान होते हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? यानी पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे पहले किसके द्वारा परिभाषित किया जाएगा, तो वो हो जाएगा आर्थर ट्रांसले के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आर्थर ट्रांसले के द्वारा सबसे पहले जो है कि इकोसिस्टम की संकल्पना को परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? दोस्तों दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है स्पेनिश, पहले पे इंग्लिश और दूसरे पे स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? दोस्तों विकास का जो सिद्धांत था वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने, यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा सबसे पहले विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये जो सीरीज है हमारे पेपर का वो आपको पसंद आया होगा।